जिसको दर्श वाजान ने का नाम दर्शन ज्ञान है, हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल तरन को, जिन वर कथित नए चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेग जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। लास्ट टाइम हमारी चर्चा नए चक्र जी में व्यवहार ने के संबंध में कुछ प्रश्नोत्तर है उस पे चल रही थी, और वहां पे हमारी चर्चा दो प्रश्नों पे हो गई थी। उसके आगे की चर्चा आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। मैं निकालता हूँ एक मिनट। व्यवहार ने संबंधी प्रश्नोत्तर पे हमारी बात चल रही थी, और पहला प्रश्न तो ये था कि भाई ये जो व्यवहार ने है इसमें अतत भाव जो शब्द आया था जब व्यवहार ने के भेद आए थे, तो अतत भाव शब्द का क्या अर्थ था। और फिर जो दूसरा प्रश्न था वो ये था कि आप व्यवहार ने की इतनी चर्चा क्यों कर रहे हो जब एकत्व विभक्त आत्मा का अनुभव करना है, और व्यवहार ने उस एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप तो ना बता करके उसमें एकत्व विभक्त आत्मा से उल्टा ही उसका स्वरूप बताता है। अर्थात आत्मा में विभक्त बना करता है और उसका पर के साथ एकत्व करके दिखाता है, तो फिर उस आत्मा का उस व्यवहार ने का क्या उपयोग है। तो इसको ये बताया था कि जिस रास्ते नहीं जाना उसका जानना भी जरूरी रहता है, कहीं गलती से भटक गए और वहां पहुंच गए तो कम से कम ख्याल तो रहेगा, और भी काफी अच्छा उत्तर दिया था। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न आया था। देखो तो ये जो दूसरा प्रश्न था वो इससे रिलेटेड था कि आत्मा में भेद करके बताया, ठीक है, मतलब सद्बुद्ध व्यवहार ने की बात थी मेनली, कि वो सद्बुद्ध व्यवहार ने क्या कार्य करता है कि आत्मा को भेद करके बताता है। अब अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने तो गुण भेद करता है, और उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने जो विकारी परिणमन चल रहा है या फिर अपूर्ण परिणमन चल रहा है, मतलब पर्याय में जो कमी चल रही है या विपरीतता चल रही है, उसके द्वारा आत्मा का ज्ञान कराता है और भेद करके बताता है। तो कंक्लूजन में बहुत अच्छे से बताया था आपने। देखो लास्ट लाइन जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे पैराग्राफ मतलब पेज की लास्ट लाइन, मैं भी हाईलाइट करता हूँ ये वाला पार्ट। इस प्रकार शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत, शुद्ध हो जाएगा अनुपचरित सद्भूत और उपचरित सद्भूत, इन दोनों ही व्यवहार नयों का प्रयोजन स्वभाव की सामर्थ्य और वर्तमान पर्याय की पामरता का ज्ञान कराकर दृष्टि को पर पर्याय से हटाकर स्वभाव की ओर ले जाना है। बात हो गई ये क्लियर बिल्कुल कि सद्भूत व्यवहार नय का क्या कार्य है। सद्भूत व्यवहार नय का एक भेद तो स्वभाव की सामर्थ्य को दर्शा रहा है, और सद्भूत व्यवहार नय का दूसरा भेद वर्तमान पर्याय में जो स्थिति चल रही है कामरता कमी विपरीतता उस सबको बता रहे हैं, तो उसको दूर करने का उपाय भी परद्रव्य की ओर से और पर्याय की ओर से दृष्टि हटा करके स्वभाव की ओर ले जाना ही। तो ये पूरा दूसरा प्रश्न का उत्तर हमारा होगा। अब तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए शुद्ध सद्भुत और अशुद्ध सद्भुत व्यवहार नियम की बात तो ठीक है, क्योंकि वे तो आत्मा के अंतरंग वैभव का ही परिचय कराते हैं, आत्मा के ही गीत गा गा कर आत्मा की ओर आकर्षित करते हैं।
आत्मा की रुचि उत्पन्न कराते हैं। स्वभाव एवं स्वभाव के आशय से उत्पन्न होने वाली स्वभाव पर्याय की सामर्थ्य से परिचित कराकर, अर्थात ये बात किसकी चल रही है, ये बात चल रही है अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहारने की, ठीक है। जहाँ एक और अनुपचरित है शुद्ध सद्बुद्ध, जहाँ एक और शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार ने हीन भावना से मुक्ति दिलाकर आत्मगौरव उत्पन्न कराता है, तो ये पूरी बात होगी शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार की। वहीं दूसरी ओर अशुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार ने अपनी वर्तमान पर्यायगत कमजोरी का ज्ञान करा के उससे मुक्त होने की प्रेरणा देता है। अतः उनकी चर्चा को ठीक है, परंतु शरीर मकान आदि जैसे पर पदार्थों से भी आत्मा को अभेद बताने वाले शुद्ध असद्भुत व्यवहार ने व उसके भेद प्रभेदों में उलझने से क्या लाभ है। एक सेकंड, मैं विंडोज बंद कर दूं। यहाँ पे प्रश्न ये क्या कि असद्भुत व्यवहार ने को जानने का क्या प्रयोजन है, ठीक है। तो देखो उत्तर में हम आते हैं, उत्तर में क्या बात आती है देखिए। पहली लाइन में बोलते हैं उलझना तो किसी भी व्यवहार में नहीं है, बात उलझने की नहीं समझने की है। उलझने के नाम पर समझने से भी इनकार करना तो उचित प्रतीत नहीं होता कि भाई पहली बात तो उलझना नहीं है। दूसरी बात, आप यदि ये बात करते हो कि भाई व्यवहार में क्यों उलझें, तो भी उलझने के नाम पे समझने से भी इनकार कर देना ये सही बात नहीं है। पहली बात तो उलझना है ही नहीं, और ये जो बहाना दिया जा रहा है, बहाना देना कि उलझ जाएंगे व्यवहार ने को क्या समझे क्यों समझे, तो बोलने भाई ये बहाना भी सही नहीं है। विश्व में जो अनंत अनंत पदार्थ हैं, उनमें से एकमात्र निज को छोड़कर सभी जड़ और चेतन पदार्थ पर ही है। उन सभी पर पदार्थों में ज्ञानी आत्मा का व्यवहार और अज्ञानी आत्मा का अहम और ममत्व एक सा देखने में नहीं आता। फिर से पढ़ता हूं मैं, विश्व में जो अनंतानंद पदार्थ हैं, उनमें से एकमात्र निश्चय को छोड़कर सभी जड़ और चेतन पदार्थ पर ही। पहली बात तो ये बोली कि भी विश्व में अनंतानंद पदार्थ हैं, जीव अनंत, पुद्गल अनंत, अनंत धर्म, धर्म आकाश एक एक और काल लोक प्रमाण असंख्या, तो एक तो क्या मैं एक आत्मा, और मुझे छोड़ के बाकी अनंत आत्मा पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल है वो सभी, तो देखो सभी जड़ और चेतन पदार्थ मुझे छोड़ के जितने चेतन है वो भी पर हैं और बाकी अचेतन जड़ पदार्थ तो पर हैं, ठीक है। तो पहले तो ये निश्चित किया कि एक चेतन हो गया और बाकी सभी, मतलब एक मैं हो गया और बाकी सभी पर हो गए। एक चेतन नहीं, चेतन तो अनंत जीव द्रव्य है, लेकिन उनमें मैं एक ही, ठीक है, और बाकी होंगे चेतन लेकिन वो मैं नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए पर पदार्थ होंगे। अब बोल रहे हैं उन सभी पर पदार्थों में ज्ञानी आत्मा का व्यवहार और अज्ञानी आत्मा का अहम और ममत्व एक सा देखने में नहीं आता। विभिन्न पर पदार्थों के साथ यह आत्मा विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करता दिखाई देता है। तो देखो क्या बात कर रहे हैं कि देखो, एक तो हाईलाइटेड पार्ट ये भी करना है कि ज्ञानी के साथ उन्होंने व्यवहार शब्द लिखा है, ज्ञानी आत्मा का व्यवहार, और अज्ञानी के साथ उन्होंने लिखा है अज्ञानी आत्मा का अहम और ममत्व। ज्ञानी का पर के साथ संबंध व्यवहार रूप में चलता है, व्यवहार संबंध, और अज्ञानी उनके साथ अहम रूप और ममत्व रूप संबंध कर रहा है। तो देखो बात ये चल रही है कि जितने भी पर पदार्थ है ना, एक आत्मा को छोड़ के जितने भी पर पदार्थ हैं, मतलब मुझ आत्मा को छोड़ के बाकी जितने भी पर पदार्थ हैं उनके साथ हमारा कैसा संबंध होता है। तो पहले तो उन्होंने बोल दिया कि एक तो ज्ञानी आत्मा का व्यवहार और अज्ञानी आत्मा का, ज्ञानी किस प्रकार का उन पदार्थों के साथ व्यवहार करते हैं, और अज्ञानी उन्हीं पदार्थों के साथ पदार्थ नहीं बदल रहे लेकिन व्यवहार बदल रहे। ज्ञानी आत्मा का व्यवहार और अज्ञानी आत्मा का अहम और ममत्व, ठीक है, लेकिन यहाँ वो बात भी इम्पोर्टेंट नहीं है।
मतलब ये तो उन्होंने बता दी कि ज्ञानी और अज्ञानी का अलग अलग डिफरेंशिएशन रहेगा, लेकिन मेन बात क्या करनी है, देखो उन सभी पदार्थों में क्या बोल रहे हैं, उन सभी पदार्थों के साथ व्यवहार एक सा देखने में नहीं आता। मतलब जो संबंध स्थापित करते हैं ना, जितने भी पदार्थ है ना, जितने भी पदार्थ, उन सभी पदार्थों में एक सा व्यवहार नहीं हो रहा है। विभिन्न पर पदार्थों के साथ यह आत्मा विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करता दिखाई देता है। तो आप देखोगे कि अलग अलग प्रकार के पदार्थ पर आत्मा को छोड़ के बाकी सभी पर पदार्थ तो हो गए, चलो ये बात तो पक्की हो गई, लेकिन जितने भी पर पदार्थ हैं उन सबके साथ हमारा एक सा ही संबंध नहीं होता। किन्हीं से थोड़ा अलग संबंध होगा, किन्हीं से अलग संबंध होगा। फॉर एग्जाम्पल, शरीर से अलग जाति का संबंध हो रहा है, माता पिता आदि से अलग जाति का संबंध हो रहा है, घर मकान आदि जो अपना है उससे अलग संबंध हो रहा है, दूसरे के घर मकान आदि से अलग संबंध हो रहा है, और भी जो दुनिया भर में वस्तुएं हैं, दुनिया भर में जितने पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उन सभी से कैसा संबंध है, कैसा नहीं है, तो सबके साथ अलग अलग जाति का संबंध हो रहा है, लेकिन है सब पर पदार्थ। मुझ आत्म रूप नहीं होने के कारण से वो सभी पर पदार्थ हैं, लेकिन एक पर पदार्थ होने पर भी, मतलब वो सभी एक से पर पदार्थ होने पर भी, मुझ रूप नहीं होने पर पदार्थ होने पर भी, उन सभी के साथ जीव का संबंध नाना जाति का हो रहा है। किसी के साथ किसी जाति का संबंध हो रहा है, किसी के साथ किसी जाति का संबंध हो रहा है, किसी के साथ किसी जाति का संबंध हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि उन सभी पदार्थों में एक सा व्यवहार देखने में नहीं आ रहा है। ठीक है, विभिन्न पर पदार्थों के साथ यह आत्मा विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करता दिखाई देता है, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। अब जो मूल प्रश्न था ना, क्या प्रश्न था, क्योंकि असद्भूत व्यवहार ने व उसके भेद हम क्यों समझे, या उनको जानने से क्या लाभ है, ठीक है, उसमें उलझे क्यों, उनके भेद प्रभेद जानने से क्या लाभ। तो उस बात को यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि भाई विश्व में अनंत अनंत पदार्थ हैं, और उन सभी अनंत अनंत पदार्थ में एक तो मैं हो गया और बाकी सभी पर पदार्थ हैं, ठीक है, और उन सभी पर पदार्थों के साथ हमारा एक सा संबंध नहीं है, अलग अलग जाति के संबंध हम स्थापित करते हैं। तो देखो अब वो बात आगे पढ़ते हैं, देखो उत्तर में आ रही है, उक्त संबंधों की निकटता और दूरी के आधार पर अनुपचरित और उपचरित के रूप में असद्भुत व्यवहार ने का वर्गीकरण किया गया है। तो अभी असद्भुत व्यवहार ने कैसे होगा कि जो उन पर पदार्थों के साथ, ये सभी पर पदार्थ हैं, उन पर पदार्थों के साथ जो संबंध स्थापित किया वो कितना निकट है कितना दूर है, उसके आधार पर अनुपचरित और उपचरित ये दो भेद किए गए। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहते हैं, संयोगी पर पदार्थों में जो अत्यंत समीप है, संयोगी तो है लेकिन संयोगी में भी जो अत्यंत समीप है, अर्थात जिनका आत्मा के साथ एक क्षेत्र व्यापार संबंध है, ठीक है, ऐसे शरीर आदि का संयोग अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय बनता है। तो ये जो शरीर आदि होंगे ना, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय बनता है, तथा शरीर आदि की अपेक्षा जो दूरवर्ती हैं, ऐसे मकान आदि के संयोगों को विषय बनाना, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय बनता है। तो हमने पहले जब पढ़ा था तब तो उन्होंने संश्लेष संबंध शब्द लिया था, और यहाँ पे एक क्षेत्र संबंध लिया है, तो इनमें जो डिफरेंस है वो भी ख्याल में रखना, और कभी कभी इनको सिनोनिम के रूप में भी यूज कर लिया, पर्यायवाची के रूप में भी यूज कर लिया जाता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब विशेष रूप से वर्णन करेंगे उन दोनों की बात चलेगी तो वो बात बोल देंगे कि भी संश्लेष संबंध है, जब सामान्य रूप से बात चलेगी तो एक क्षेत्र आपका संबंध से भी समझ लेना चाहिए कि भी शरीर आदि के साथ एक क्षेत्र आपका रूप संबंध, और ज्यादातर जगह आपको एक क्षेत्र आपका रूप संबंध ही पढ़ने में आएगा, संश्लेष संबंध तो कहीं कहीं पढ़ने में आएगा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि अब जितने भी पर पदार्थ हैं उनके साथ कैसा संबंध है, यदि निकट रूप में संबंध है, मतलब जो भी संयोग हैं उन संयोगों के साथ निकट संबंध है, अत्यंत समीप, निकट भी कैसा कि एक क्षेत्र आपका रूप निकट, तो उसको अनुपचरित असद्भुत का विषय बनाया, और जो दूरवर्ती है उनको
उपचरित असद बुद्ध का विषय बनाए। अब कह रहे हैं यदि गेय गायक संबंध को भी ले लें तो लोकालोक को जानना भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय बन जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, यदि हम ये बोल रहे हैं कि एक तो गायक और गायक के अलावा बाकी सब गेय, ठीक है। अब गेय गायक संबंध को लें तो लोकालोक जितनी भी वस्तु हैं उन सभी का जानना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय बन जाएगा। तो अब देखो ये कैसे इन्होंने अनुपचरित में लिया, देखो लोकालोक पूरा पूरा का पूरा लोकालोक इन्होंने अनुपचरित में ले लिया, जबकि यहाँ पे अकेले शरीर आदि को अनुपचरित में लिया था। तो ये कब बनेगा कि जब आप संबंध स्थापित करोगे गे गया, और गे गया एक संबंध में आपने फिर जब गे बनाया ना लोकालोक, जब गे बना तो लोकालोक को गे बनाने में ये डिफ्रेंसिएशन नहीं किया कि संयोग मतलब नजदीक वाले के ये हो गए, दूर वाले के ये हो गए, ये डिफरेंशिएशन ना करते हुए सबको एक साथ एक गे कैटेगरी में रखा और आत्मा उनका गायक। तो जब ऐसा गे और गायक ये पूरा लोकालोक समस्त पर पदार्थ गे, तो हम उनमें ये निकट दूर वाला वैसा ना देखते हुए सबको एक गे कैटेगरी में डाला और आत्मा उनका गायक। तो फिर जब वो संबंध स्थापित किया तो उसको अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने का विषय बनाया, ठीक है। इस प्रकार ये नए भी सर्वथा अनुपयोगी नहीं है, इनसे भी कुछ ना कुछ वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है। ये नए आत्मा का पर पदार्थों के साथ किस प्रकार का संबंध है यह सत्य का उद्घाटन करते हैं। इन नयों से सर्वथा इनकार करने पर अनेक आपत्तियां खड़ी हो जाएंगी। जैसे अब देखो यदि ये नए नहीं स्वीकार करेंगे तो कैसी कैसी आपत्तियां खड़ी हो जाएंगी। कौन से नए असद्भुत व्यवहार नए के दो भेद, देखो क्या कहते हैं। जैसे अनुचरित असद्भुत व्यवहार नए के विषयभूत देही अर्थात शरीरस्थ आत्मा को जीव नहीं मानने से त्रस्त स्थावर जीवों को भी भस्म के समान मसल देने पर भी हिंसा नहीं होगी, होने पर त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा के त्याग रूप अहिंसानुव्रत और अहिंसा महाव्रत भी काल्पनिक ठहरेंगे। इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान की सर्वज्ञता भी संकट में पड़ जाएगी, क्योंकि केवली भगवान पर को अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ऐसे ही जानते हैं। तो पहला तो बोला कि भाई यदि इन नयों का अभाव कर दिया तो फिर जो हम शरीर आश्रित जीवों के भेद करते ना, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंच इंद्री, फिर चींटी को जीव बोलना, हाथी को जीव बोलना, तो ये जितने भी हम मतलब पूरा चरणान्योग हमारा इसी के आधार पर है। त्रस्त स्थावर जीव उसमें उनकी हिंसा से बचने का जो भी पूरा चरणान्योग का कथन आएगा वो सभी काल्पनिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर पर पदार्थ और आत्मा अलग पदार्थ है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने के बाद ही चरणान्योग का कथन प्रारंभ होगा, वरना हो ही नहीं पाएगा वैसा कथन। तो कह रहे हैं कि इसलिए जरूरी। और दूसरा आत्मा समस्त लोकालोक को जानने पर सर्वज्ञ होता है, ठीक है। तीर्थंकर भगवान की सर्वज्ञता कैसे कि वो लोकालोक समस्त सबको जानते हैं, सबको जानते हैं मतलब सब पदार्थों को जानते हैं। तो पदार्थों को जानते हैं पर पदार्थों को जानते हैं ये कथन भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। वास्तविकता में वास्तविकता मतलब यदि सद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से देखेंगे तो अपनी पर्याय में जो ज्ञानाकार परिणमन चल रहा है उसको ही जानते हैं। गेयों को जानते हैं या असद्भुत व्यवहार आ जाएगा, ज्ञानाकार परिणमन चल रहा है उसकी का ज्ञान हो रहा है, उसी की निर्मलता में समस्त लोकालोक झलक रहा है, उसका ही ज्ञान हो रहा है जो ज्ञानाकार रूप परिणमन, उसमें जो तीन लोक का ज्ञानाकार रूप परिणमन हुआ, ज्ञाकार ज्ञानाकार के प्रवचन है समर्थराज जी पंडित जी के, और गुरुदेव जी के भी प्रवचन है, इस पे 320 नंबर की गाथा है समय सार जी की उसके, तो वहां पे पूरी बात आई है। तो मेन बात है कि भाई समस्त लोकालोक को जानते हैं तब सर्वज्ञता हुई। तो ये जो लोकालोक के साथ संबंध स्थापित किया, तो
तो ये भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से ही किया। और यदि ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने को स्वीकार नहीं करेंगे तो सर्वज्ञता को स्वीकार कैसे करेंगे। आगे दूसरा पॉइंट कहते हैं कि उपचरित, पहले तो बताया अनुपचरित को नहीं मानने से क्या दोष है, ठीक है। तो एक तो ये जितना भी अहिंसान व्रत और मतलब अहिंसा का जो भी चरणानु में वर्णन है वो काल्पनिक हो जाएगा। और दूसरा बताया था सर्वज्ञता पे एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अब बात करते हैं कि उपचरित असद्भुत व्यवहार ने को नहीं माने तो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से इनकार करने पर जिन मंदिर और शिव मंदिर का भेद संभव नहीं हो सकेगा तथा माँ बाप स्त्री पुत्र आदि मकान आदि व नगर व देश आदि को अपना कहने का व्यवहार भी संभव न होगा। ऐसी स्त्री में स्वस्त्री परिस्त्री स्वग्रह परग्रह एवं स्वदेश परदेश के विभाग के बिना लौकिक मर्यादाएं कैसे निभेगी कि भाई ये हमारा घर है ये आपका घर है ना, ये हमारे पैसे हैं ये आपके पैसे हैं, ये हमारा मोबाइल है ये आपका मोबाइल है, ये हमारी किताब है ये आपकी किताब है। तो ये जितना भी व्यवहार स्थापित करोगे ये उपचरित असद्भुत व्यवहार न से होगा। तो जितनी भी ये लौकिक मर्यादाएं हैं मतलब लौकिक व्यवहार जो भी हमारा चलता है वो लौकिक व्यवहार इसके माध्यम से ही चलता है। और यदि इसको नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर ये लौकिक मर्यादाएं कैसे निभेंगे। फिर तीसरा और आखिरी पॉइंट कहते हैं कि उपचरित और अनुपचरित दोनों ही प्रकार के असद्भुत व्यवहार ने उसे इनकार करने पर समस्त जिनवाणी के व्याघात का प्रसंग उपस्थित होगा, क्योंकि जिनवाणी में तो उनका कथन सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश के रूप में है। तो जिनवाणी में भी जो व्यवहार ने का स्वरूप बताया तो ये निश्चय व्यवहार दोनों ही सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश है, है ना। की परिभाषा हमने पढ़ी थी ना, सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। तो जिनवाणी की लेखनी ही नयों की द्वारा नयों की भाषा में हुई है तो समस्त जिनवाणी के व्याघात का प्रसंग उपस्थित होगा यदि इन दोनों नयों को नहीं स्वीकार करेंगे। अतः इनकी सत्ता उपयोगिता और सम्यक पने से इनकार किया जाना संभव नहीं है। इस तरह से पूरी बात करी और ये बताया कि असद्भुत व्यवहार नय और उनके दोनों भेदों को स्वीकार करना भी आवश्यक है और उनका जो प्रयोजन है वो प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए, उल्टी कल्पना नहीं करनी चाहिए। जो उनका प्रयोजन है वैसा समझ करके उसका मतलब जो प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए उन नयों के माध्यम से वो सिद्ध करना चाहिए। अब चौथा प्रश्न है, असद्भुत व्यवहार नय के सम्यक पने से सर्वथा इनकार करने पर समस्त जिनवाणी के व्याघात का प्रसंग उपस्थित होगा। अणुव्रत महाव्रत काल्पनिक ठहरेंगे और सदाचार संबंधी समस्त लौकिक मर्यादाएं संकट में पड़ जाएंगी, जो तीनों पॉइंट टू पर आए। यह बात जरा विस्तार से समझे। तो बोल रहे हैं कि आपने जो ऊपर बात की ना कि असद्भुत व्यवहार नय के भेदों को स्वीकार नहीं करने पर ये दिक्कत आएगी, तो बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा डिटेल में समझे। तो देखो पढ़ते हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा कुटुंब परिवार जाति व समाज तथा ग्राम नगर व देश को अपना कहने वाला उपचरित असद्भुत व्यवहार नय सदाचार की सिद्धि करने वाला नय है और शरीरधारी प्राणियों को ही जीव कहने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि करने वाला नय है। तो देखो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय सदाचार की सिद्धि के लिए और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि के लिए इनका प्रयोजन बता दिया कि ये दोनों नए क्या क्या प्रयोजन सिद्ध करते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं उक्त दोनों ही नए भेद विज्ञान की सिद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि अकेले इतनी बात है, वो भेद विज्ञान के मार्ग में भी हमको आगे बढ़ाते हैं। क्यों और कैसे? इस लोक में अनंतानंद पदार्थ है, उक्त अनंतानंद पदार्थों में से जो पर पदार्थ हमारे पुण्य पाप रूप कर्म के निमित्त से हमें संयोग रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें नौ कर्म कहा जाता है, ठीक। मतलब जो संयोग रूप में पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको नौ कर्म कहा जाता है। उक्त नौ कर्मों में से कुछ पदार्थ अपने आत्मा से एक क्षेत्र रूप से संश्लिष्ट होते हैं जैसे शरीर, और कुछ अपने आत्मा से
असंश्लिष्ट होते हैं, जैसे स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा देश व समाज आदि। तो ये जो हमको कर्मोदय से ये जो चीजें मिली हैं शरीर आदि, तो इनको नौ कर्म कहा जाता है। एक शरीर आदि हुए जो तो एक क्षेत्र का रूप से संश्लिष्ट है, और बाकी जो भिन्न पदार्थ है, मतलब भिन्न पदार्थ मतलब क्षेत्र से ही भिन्न पदार्थ है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये जितना भी होगा ये आत्मा से असंश्लिष्ट है। ठीक है, तो असंश्लिष्ट पदार्थों को अपना कहने वाला न उपचरित असद्भुत व्यवहार न है। ठीक है, उपचरित असंश्लिष्ट है ना, संश्लिष्ट संबंध, और संश्लिष्ट के पदार्थों को अपना कहने वाला न अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न है। इस प्रकार यह असद्भुत व्यवहार है लोक के अनंतानंत पदार्थों में से मात्र उन्हीं पर पदार्थों को अपना कहता है जो नौकर्म रूप से जीव से संबंधित होते हैं, शेष पदार्थों को स्पष्ट रूप से पर घोषित करता है। तो देखो पूरे असद्भुत व्यवहार ने की बात ले रही, ये नहीं बोले कि असद्भुत में भी कौन सा, तो असद्भुत व्यवहार ने उन्हीं पदार्थों के साथ, मतलब देखो विश्व में अनंत अनंत पदार्थ, लेकिन अपना किसे कहेगा असद्भुत व्यवहार ने भी, उन्हीं को अपना कहेगा जो जीव के साथ संबंधित है। कैसे संबंधित है, या तो संश्लिष्ट या असंश्लिष्ट दोनों रूप में समझ। तो जिन जो नौकर्म रूप से जीव से संबंधित होते हैं उनको ही अपना कहता है, बाकी बाकी किसी भी पदार्थ को अपना नहीं कहेगा। ठीक है ना, मतलब अपनापन भी जाहिर करेगा तो किसके साथ करेगा, कि जो तो, जीव के साथ नौकर्म रूप से संबंधित है। नौकर्म रूप से संबंधित है अर्थात हमारे पुण्य पाप के उदय से जो हमें संयोग रूप में प्राप्त हुए हैं, तो हमारे पुण्य पाप का संबंध या हमारे कर्मोदय का संबंध जिनके साथ घटित होता है और फिर वो हमारे लिए नौकर्म कहे जाते हैं, जहाँ आपको संबंध स्थापित उनके हिसाब से करो वहां वहां तक लग जाएगा। तो बाकी पदार्थों को ही अपना नहीं कहेगा, शेष पदार्थों को स्पष्ट रूप से पर घोषित करता है। शेष पदार्थों से आत्मा को भिन्न बताने वाला होने से यह नए भेद विज्ञान की सिद्धि करने वाला है। क्यों, क्योंकि अनंतानंत समस्त पदार्थों में से अपने आत्मा को खोज निकालने के कारण है इसने इतना तो बता ही दिया कि जो आत्मा से नौकर्म रूप से भी संबंधित नहीं है उन पदार्थों में आत्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह आत्मा मिलने वाला नहीं है। अतः आत्मा के शोधार्थी को उन पर से तो दृष्टि हटा ही लेनी चाहिए। तो देखो पूरे अनंतानंत द्रव्यों से भरे हुए इस विश्व में इस नए नए आत्मा की खोज को कितना सीमित कर दिया, क्योंकि जिनके साथ तुम्हारा संबंध स्थापित हो रहा है वहीं पर आत्मा मिलेगा, बाकी दुनिया भर में ढूंढने जाओगे वहां आत्मा मिलने वाला नहीं है, वहां से दृष्टि हटा दी। आगे है तो इसका आंसर काफी बड़ा, मैं थोड़ा सा और पढ़ता हूँ बस। देखो नौ कर्म में भी देह को ही अपना कहने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने को आत्मा की खोज को देह तक ही सीमित कर देने वाला होने से आत्मार्थियों के और आत्मशोधार्थियों के काम को और भी अधिक सुगम कर देता है, क्योंकि अब तो उसे आत्मा की खोज के लिए दुनिया में अन्यत्र कहीं भी ना भटकना होगा। बस अब तो देह देवल में विराजमान निज भगवान आत्मा की खोज के लिए देह के भीतर ही झांकना है। तो देखो इसने खोज और कम कर दी कि कहां कि बस देह देवल में ही आत्मा विराजमान है और कहीं आत्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, मतलब खोज कहां तक सीमित कर दी, आत्मा की खोज को देह तक ही सीमित कर दी। ठीक, अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, फिर पूरे सिद्धांत को बताएंगे कि इस प्रकार से असद्भुत व्यवहार के जो भेद है वो भी किस प्रकार अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। और प्रयोजन भी ऊपर बता ही दिया कि उच्चरित असद्भुत व्यवहार ने सदाचार की और अनुच्चरित असद्भुत व्यवहार ने अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि करने वाले होते हैं। इनकी और थोड़ी डिटेल में चर्चा हमारी आगे चलेगी, इसको हम कर लेंगे अभी। जनवाणी स्तुति।
जवानी के ज्ञान ते सुझिलो कालो सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोग।